सपा का जो यहाँ पर कैडर है, आपने कैडर प्रोग्राम कई अटेंड किए हैं, तो वो कैडर है क्या? कैडर तो यही है कि ज़्यादा बातें ज़्यादा हैं पार्टी मूवमेंट में, तो नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर थी कि आप संगठन को सूचना दें कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, संगठन जो है किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी दे। हाँ। तो ऐसा आपने किया था? नहीं। नमस्कार साथियों, आज हैं हम रिठाला विधानसभा में और हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार जी। तो आइए हम जानते हैं कि रिठाला विधानसभा से बसपा के हार के कारण क्या रहे। राजेश जी, बसपा की हार के रिठाला विधानसभा में क्या कारण रहे? सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धा है। सर, कारण तो काफ़ी रहे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ये रहा कि हम जो है पब्लिक के पास पहुँच नहीं पाए, क्योंकि हमें समय कम मिल पाया, जिसके कारण हम जो है पब्लिक से हमारी बात ही नहीं हो पाई। हम डोर टू डोर हमने प्रयास भी काफ़ी किए घर घर जाने के, लेकिन शायद हम उनमें सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर दूसरा यह है कि जो हमारे जो बहुजन समाज से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने भी शायद बहुजन समाज पार्टी को इतना सपोर्ट और वोट नहीं किया। और दूसरा क्या है, हमने मुद्दे तो कई थे हमारे पास, नालियों की व्यवस्था को लेके, सीवर की व्यवस्था को लेके, सड़कों की व्यवस्था को लेके हमने कहा भी, बहुत लोगों से बात भी की, अच्छा रिस्पांस भी दे रहे थे लोग बाग, लेकिन शायद हम नाकाम इसीलिए रहे कि शायद हम जो ज़्यादा उनके से बात कर नहीं पाए। बसपा का संगठन का आपके लिए क्या सहयोग रहा? सर, संगठन में क्या है, संगठन प्रॉपर से जो है तैयार है ही नहीं। जितने भी जो योग्य इन्होंने जो पद अधिकारी रखे हुए हैं, मतलब पद तो मिल गया उनको ऊंचे से ऊंचा, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों पर वो खड़े नहीं हैं। आप कब से बसपा में काम कर रहे हैं? सर, बसपा में मैं जो है काफ़ी समय से हूँ, 1.5 साल रिठाला विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा जी। तो मतलब जो है कुल मिला के टीम इनको अच्छी तैयार करनी पड़ेगी, अगर कोई जंग लड़नी है, कुछ करना है, तो अच्छे लोगों को लाना होगा, अच्छे विचार के लोगों को लाना होगा, जो पार्टी के प्रति भी और समाज में भी अच्छा अपना परिचित रखते हों। तो आप स्वयं बसपा में यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो आपने यहाँ पर संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो तब संगठन तैयार नहीं किया आपने? संगठन तैयार काफ़ी हद तक अच्छा हुआ, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रही, शायद मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि कई कारण थे घरेलू जिनकी वजह से थोड़ा मैं समय कम दे पाया, तो उस कारण फिर मेरा पद जो है ले लिया गया। यदि आप संगठन में काम नहीं कर पा रहे थे, तो आपने संगठन के पद से त्यागपत्र दिया था क्या? त्यागपत्र तो मुझे बताया भी नहीं गया, उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया गया मुझे भी, आप है ही नहीं, मतलब कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं अपनाई। नहीं, जब ऐसा तो मैंने बताया था भाई, एक महीने का मैंने 1.5 महीने का समय मांगा था, उस समय शायद मुझे नहीं मिल पाया उतना समय। ठीक है भाई, उनकी अपनी सोच है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना है कि बहुजन समाज पार्टी को नए सिरे से जो है काम करना होगा, संगठन को नए सिरे से जो है अपने जो है कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे विचार के लोग बाग जो तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छा विचार ही जो है अच्छा जो है भूमि बना सकता है, क्षेत्र की अच्छी भूमि तैयार कर सकता है। आपके जब पदाधिकारी थे आप इस क्षेत्र में, तब आपके पदाधिकारी रहते हुए कुछ कैडर मीटिंग्स वगैरह हुई यहाँ पर? हाँ, जब एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हमारे बीच आए थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर जी, वो सर प्रोफेसर थे, वो डॉक्टर विवेक कुमार प्रोफेसर, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता थे और अच्छा मिशन मूवमेंट के लिए वो काम भी कर रहे थे, मतलब उनकी जो है हमें बहुत मतलब वो चले गए तो खामी बहुत महसूस हुई, उन्होंने बहुत अच्छा रिठाला विधानसभा में काम किया मिल के हमारे साथ। कितने कैडर प्रोग्राम उन्होंने रिठाला विधानसभा में दिए थे? कम से कम तो जब तक वो रहे, हालांकि नहीं, जो पार्टी की विचारधारा का जो कैडर है वो विचारधारा पार्टी की है क्या? देखिए, पार्टी की विचारधारा समता मूल समाज और लोगों का, समता मूल समाज की स्थापना करना सबसे पहला ये है, ये शायद किसी भी पार्टी के पास है नहीं, या विचार करके देख सकते हैं, सबसे अच्छा विचार बहुजन समाज पार्टी के पास है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बाग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आपकी आवाज़ को गोदी मीडिया ने जनता के घर घर में नहीं पहुंचाया, जनता के कानों तक नहीं लेकर के गोदी मीडिया,
ये जिम्मेदारी थी बहुजन मीडिया के ऊपर, तो क्या आपके क्षेत्र में बहुजन मीडिया ने आपसे संपर्क किया कि आइए हमें आप अपना जो है इंटरव्यू दीजिए और हम आपकी आवाज़ जनता तक पहुँचाएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया कर रहा हूँ जो आप आए हैं। बाकी बहुजन समाज पार्टी का कोई भी मीडिया कर्मी हमारे पास नहीं आया। देखिए, समाज में जो ये मिशन मूवमेंट की जो बात करने वाले बहुत से संगठन हैं, बहुत से नेता हैं, भीम आर्मी संगठन है और वाम सेव के कई संगठन अलग अलग चल रहे हैं, तो क्या है इन लोगों ने आपसे संपर्क किया कि हम आपकी विधानसभा में मिशन मूवमेंट के लिए काम करेंगे? हालांकि बसपा से हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन हम मिशन मूवमेंट के तहत इस पार्टी के जो मिशन मूवमेंट के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो गरीब तबके से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हम उनके लिए काम कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ नेता या ऐसे कुछ दल, ऐसे संगठन कुछ आपसे संपर्क किया क्या? नहीं, ऐसा कोई भी संगठन हमारे पास नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि जैसे कि भाजपा के हजारों समर्थक, हजारों कार्यकर्ता पूरे देश से इकट्ठा होकर दिल्ली में कूद पड़े थे इस चुनाव में, इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के भी हजारों कार्यकर्ता पूरे देश से इकट्ठे होकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कूद पड़े, तो इसी तरह से अगर हमारे जो मिशन मूवमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अगर हजारों की संख्या में दिल्ली में कूदते, तो आपकी विधानसभा का नक्शा रातों रात इस क्षेत्र का जो दृश्य है इस विधानसभा का, वो बदल सकता था। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अच्छे प्रवक्ताओं की हर एक को जरूरत है, हर एक पार्टी को जरूरत है। हमारे में ऐसा नहीं है कि हमारे मिशन में अच्छे प्रवक्ता नहीं है। बहुत देश से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए NB News को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।